हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गुप्ता सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल टिल नाउ, देन यू सब्सक्राइब टू इट राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द रेड बेल आइकन। बाय दिस यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माय लेटेस्ट वीडियोस इमीडिएटली। एंड इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस अलॉन्ग विद एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल केम इन टू एग्जिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए बोहर्स ने अपना मॉडल दिया। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कि रदरफोर्ड ने बेसिकली कहा क्या था। तो थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था, एक बड़ी सिंपल सी चीज कही थी। ठीक है ना, उसने कहा था कोई एक एटम, ठीक है ना, किसी एक एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इट इज सराउंडेड बाई निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस यानी कि सेंटर, ठीक है ना, इज सराउंडेड बाई निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये किसने बोला था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने ये बात हमें बताई थी। लेकिन क्या स्टेबिलिटी है, कैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, कैसे स्टेबल रहता है, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो इसको सबसे पहले जो डिस्कस किया वो किसने बताया, बोहर्स ने। बोहर ने बताया कि कैसे एटम की स्टेबिलिटी आती है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूमते हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, बोहर ने। और इसके द्वारा बताए गए हम एटॉमिक मॉडल को बोलते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब यह दुनिया का वो पहला मॉडल है जो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। बोहर ने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी को इनकॉर्पोरेट किया किसी भी एटॉमिक मॉडल में, ये क्रेडिट भी बोहर साहब को जाता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जो बोहर एटॉमिक मॉडल है इसको हम क्या कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय नील बोहर इन 1913। इसको सबसे पहले किसने दिया, नील बोहर ने, किस कब दिया, 1913 में। ठीक है ना, ही वॉज द फर्स्ट दैट इनकॉर्पोरेट द क्वांटम थ्योरी। इस चीज को याद रखिएगा, ये कंपटीशन में कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एक नंबर में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, दिस मॉडल वॉज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस मॉडल वॉज बेस्ड ऑन क्वांटम रेडिएशन थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन लिखते हैं, थ्योरी ऑफ रेडिएशन एज वेल एज। और इसमें क्या है, क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स के भी यूज करे हैं इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोहर साहब ने बोला था वो क्या था, कि जो इन्होंने कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन का यूज किया, क्वांटाइज्ड। यहां पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड, व्हाट द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड। क्वांटाइज्ड मतलब होता है स्पेसिफाइड या फिक्स्ड, कि भाई निश्चित, कि निश्चितता के नियम का इन्होंने उपयोग किया। सॉरी, इन्होंने सबसे पहले किस चीज का उपयोग किया, निश्चितता के नियम का। मीन्स इन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या कर रहा है, कि भाई वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में। ऑर्बिट क्या होती है, फिक्स्ड ऑर्बिट, या इनको क्या कह सकते हैं, स्पेसिफाइड ऑर्बिट, या इनको क्या कह सकते हैं, क्वांटाइज्ड, या हम इनको क्या कह सकते हैं, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, और क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट।
स्टेशनरी ऑर्बिट, सबसे पहले इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो क्या होता है कि वो एक स्पेसिफाइड या फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, और साथ में क्या बोला, विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे एक लाइन में, फर्स्ट पोस्टुलेट कैसे डिफाइन करेंगे, बोहर एक्सप्लेन दैट, क्या एक्सप्लेन, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड या डेफिनेट या स्पेसिफाइड ऑर्बिट विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, ठीक है ना। और इन स्पेसिफाइड ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट और हैविंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है जी। पहली चीज तो इन्होंने फर्स्ट इसका पोस्टुलेट बन गया, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूं, ठीक है ना। बोहर एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट या फिक्स्ड ऑर्बिट या स्पेसिफाइड एनर्जी हैविंग ऑर्बिट विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, ठीक है ना। दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज क्वांटाइज्ड या स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है जी। अब बात आई नंबर टू की, भाई इन्होंने सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया। जो सेकंड पोस्टुलेट था इनका, उसमें इन्होंने बताया, इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नंबर टू को, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम दो तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं एक और इनकॉर्पोरेट करूँगा इसमें कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उनमें से केवल किसी एक में रिवॉल्व करता है। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, इन वन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। कि भाई जो सर्कुलर ऑर्बिट हैं तो कई सारे, लेकिन उनमें से किसी एक में घूमेगा, ठीक है। अब किस में घूमेगा ये कैसे हमें पता लगेगा, वो उसमें घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जे एम वी आर, ठीक है ना। जो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, एच अपॉन टू पाई, यानी एन एच अपॉन टू पाई, या इनकी वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ऑर्बिट नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो ये इन्होंने इस तरीके से इसको बोला कि जो सेकंड पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व इन वन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, ठीक है। अब इसको हम जरा अपनी सिंपल भाषा में कैसे, ये तो किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, यूजुअली हम इसी को एज इट इज रिपीट कर देते हैं, बट अपनी भाषा में अगर हम इसे डिफाइन करना हो तो हम कैसे बोलेंगे। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन वन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं उनमें केवल उसी में घूमेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज होगा, यानी कि स्पेसिफाइड होगा, फिक्स होगा। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, भाई जिस ऑर्बिट के लिए है, ठीक है, एन की वैल्यू 1 हो गई तो 1 रख देंगे, सेकंड के लिए 2 रख देंगे, थर्ड के लिए 3 और एच अपॉन 2 पाई, ये उसके मल्टीपल में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सेकंड पोस्टुलेट को भी अच्छे से लर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है एम आर स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी अपॉन आर, ये भी फार्मूला आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। पॉइंट कोई नहीं छोड़ना कि सर एम वी आर आया कैसे, हम तो भूल गए, हमने पहले पढ़ा था अब याद नहीं है, तो याद करने के लिए मैंने बता दिया, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू आर स्क्वायर, एम ऑब्जेक्ट का मास और आर रेडियस जिस पाथ पे वो
चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। अब इसके बाद हम थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। जो थर्ड पोस्टुलेट मेन इंपॉर्टेंट है वो किसके लिए है, इनर्जी के लिए है। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई क्या होती है, कैसे, किस चीज पे डिपेंड करती है, कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये साइज ऑफ द ऑर्बिट पे डिपेंड करती है। एंड इट लोअर फॉर द स्मॉलर ऑर्बिट, एंड इट मतलब जो ऑर्बिट जितना छोटा होगा उसके लिए उतनी कम होगी। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से क्या होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी, ये इंक्रीज करती चली जाएगी। और वैसे भी सिंपल तरीके से देख सकते हैं, देखिए इसका साइज छोटा है, जब साइज छोटा है तो एनर्जी कम होगी, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, बेसिक फंडामेंटल। अब सपोज अगर ये एक खली है, खली की एनर्जी और चाहे मेरी एनर्जी, हम दोनों में एनर्जी, कोई भी देख के बता देगा सर खली की एनर्जी ज़्यादा है, आप कहाँ उसके आगे टिकते हैं, क्योंकि मेरा मास कम है, ठीक है ना, मेरा साइज़ कम है और खली का साइज़ बहुत बड़ा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होगी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी सेकंड और फर्स्ट दोनों से ज़्यादा होगी। तो जो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते चल जाएंगे उसकी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती चल जाएगी, ज़्यादा होती चल जाएगी। और जैसे ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है वो बड़ा क्लियर कट ये भी संदेश देता है, केवल वो एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन नहीं करता, साथ में एनर्जी भी एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर हम इस तरीके से कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट के लिए पैदा हुआ है वो थर्ड में रहेगा, जो सेकंड के लिए पैदा हुआ है सेकंड में रहेगा। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग है वो उसी में एग्जिस्ट करेगा, ना उससे नीचे ना उससे ज़्यादा, ठीक है ना। तो अगर वो थर्ड के लिए आया है, जैसे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन अगर मैं किसी डॉक्टर के घर में पैदा हुआ हूँ तो मेरा एनर्जी लेवल एक उस फैमिली के अकॉर्डिंग होगा। और अगर कोई राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ है, ठीक है ना, बड़े बड़े राजनीतिक परिवार में बच्चे पैदा होते हैं तो उनका एनर्जी लेवल उनके अकॉर्डिंग होता है। और किसी कोई छोटे किसी किसान के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसका एनर्जी लेवल उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन हाँ, वो मेहनत करके एनर्जी गेन करके अपनी ऑर्बिट इंक्रीज कर सकता है। तो बस अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, है मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, बट इट कैन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट बाई एब्जॉर्बिंग एनर्जी। वो क्या कर सकता है कि भाई सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था वो थर्ड में जा सकता है, लेकिन कब, जब वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर हो गई। और अगर वो ऊपर पहुंच गया, अब वो क्या है, जब उसे नीचे आना है तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो क्या करेगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। प्लस साइन एब्जॉर्बेंस को डेजिग्नेट करता है, निगेटिव साइन रिलीज को, रिलीज ऑफ एनर्जी, और पॉजिटिव साइन एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल फंडामेंटल लगा था जो कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन के मतलब को पूरी तरीके से क्लियर करता है कि भाई एनर्जी भी कंजर्वड है, एनर्जी भी स्पेसिफाइड है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हम इसमें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, ना वो एनर्जी लेता है ना एनर्जी छोड़ता है, जब तक रिवॉल्व करता रहता है अपनी एक ऑर्बिट में, ठीक है ना। बट रेडिएशन कैन अकर, रेडिएशन हो सकता है ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। रेडिएशन हो सकता है कि चाहे वो एनर्जी अब्जॉर्ब करे, एनर्जी एमिट करे, केवल कब, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है जी। और हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफाइड ऑर्बिट इज रेडिएशन लेस, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफाइड या स्टेशनरी ऑर्बिट या पर्टिकुलर ऑर्बिट
रेडिएशन लेस, वो कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, कांस्टेंट एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है जी। और वो जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है केवल तभी रेडिएशन को एमिट करता है। यहां पर लास्ट और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट एनर्जी के रिस्पेक्ट में, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट एंड वाइस वर्सा, कि भाई वो एमिट करेगा एंड इट एमिट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट रिटर्न्स फ्रॉम और हायर टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया है एनर्जी का कंसेप्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्राइशन से को एक्सप्लेन करता है प्रॉपरली, और यही स्टेबिलिटी का कारण बना है कि एटम विल बी कंप्लीटली स्टेबल। क्यों भाई, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इसको एक्सप्लेन इसने किया है, एटम विल बी कंप्लीटली स्टेबल इन द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। एटम इज कंप्लीटली स्टेबल इन द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा छोटा ऑर्बिट होगा वो पहले की अपेक्षा क्या होगा, बड़े ऊपर वाले की अपेक्षा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है, इनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा है। अब इनर्जी ऑर्डर सॉरी कि भाई ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं सर, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। गौर करिएगा मैं इस डायग्राम में क्या अंतर करता चला जा रहा हूँ। सपोज करिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट इसको के से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं, ये के एल, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये सिक्स ऑर्बिट, ये इनर्जी, यहां पर ऑर्बिट आपके बढ़ रहे हैं, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों एक ही चीज हैं, रिप्रेजेंट करने का जरा तरीका बदल दिया है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, सेम। फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के बहुत पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे करीब होगा, सबसे ज्यादा होगा। सेकंड ऑर्बिट इससे थोड़ा सा दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये जो गैप है, ये वाला गैप सबसे ज्यादा है, इसके बाद ये गैप जो ये डिस्टेंस है ये डिक्रीज होने लग जाएगा बीच बीच में, ठीक है ना, ये पास आ जाएगा, ये उसके बाद थोड़ा सा पास होगा। अब इसमें क्या है, साइज तो देखिए, साइज बढ़ रहा है, जो सेकंड ऑर्बिट है वो फर्स्ट के बाहर है तो इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड ऑर्बिट उसके बाहर है, उसके बाद क्या होगा, साइज थर्ड का ज्यादा होगा, फोर्थ का उससे ज्यादा होगा, यानी एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट की थर्ड से ज्यादा होगी, सेकंड थर्ड की सेकंड से ज्यादा होगी और सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा होगी, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल, अगर ये वाई एक्सिस पे एनर्जी रखते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट नीचे है, सेकंड उससे ऊपर है, थर्ड उससे ऊपर है, फोर्थ उससे ऊपर है, फिफ्थ उससे ऊपर है, सिक्स सबसे ऊपर है, ठीक है। लेकिन इनके एनर्जी गैप कम होते जा रहे हैं, जो एक गैप है, गैप एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई वन, ई टू माइनस ई वन, हाई से लोअर एनर्जी घटा दीजिए तो आपका क्या आ गया, एनर्जी गैप, यानी कि ये है आपका डेल्टा ई वन। फिर डेल्टा ई टू अगर हमें निकालना हो तब क्या करेंगे, ई थ्री माइनस ई टू, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी में से सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आप निकाल दीजिए,
फिर ऐसे ही नेक्स्ट के लिए ये हो गया डेल्टा E2, और इसके बाद अगर चेक करेंगे तो डेल्टा E3। तो गौर करिए, देखिए ये हाइट डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच में सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड के बीच में डेल्टा E1, ये डेल्टा E2, फिर डेल्टा E3, फिर डेल्टा E4। यानी जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप क्या होता है, वो डिक्रीज होता रहता है टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स में जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, बट एनर्जी ऑफ जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर मैं ऑर्डर लेता हूं तो डेल्टा E1 इज ग्रेटर देन डेल्टा E2 इज ग्रेटर देन डेल्टा E3 इज ग्रेटर देन डेल्टा E4 एंड सो ऑन, और ऑर्बिट की एनर्जी का ऑर्डर चलेगा उल्टा, E2 4 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों, इनको आप याद रखिएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर शैल बी एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है ना, मोर शैल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। तो द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड इज या अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज E4, E3, E2 लेस देन E1, सॉरी हाँ मोर देन E1, E2 की उससे E1 से ज्यादा हो जाएगी। तो द ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड, तब क्या होगा, डेल्टा E1, डेल्टा E1 क्या था, E2 माइनस E1, और डेल्टा E2 क्या था, E3 माइनस E2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस पे आ चुका है, ठीक है ना। तो दिस मॉडल इज ऑल्सो एक्सप्लेन इज यूज दिस मॉडल इज यूज टू एक्सप्लेन द बामर फार्मूला फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन, बामर फार्मूला से जो हम स्पेक्ट्रल लाइन निकालते हैं उसको भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन जो एनर्जी, अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ गया तो उसने एनर्जी क्या करी, डेल्टा ई, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा ई वन के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ये प्लस का साइन आ गया, ठीक है जी। और जब वो वापस आएगा तो सेम अमाउंट ऑफ क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो जब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा तो उसको, ये तो एब्जॉर्बेंस के दौरान है, डेल्टा ई क्या होगी, निगेटिव में आएगी, वो क्या होगा, रिलीज होगी, ठीक है। तो जो हमें ये रेडिएशन मिलता है ये हमें किस फॉर्म में मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्म में। तो स्पेक्ट्रल लाइंस आर प्रोड्यूस बाय एटम वन एट अ टाइम यहाँ पर, ठीक है ना, और किस फॉर्म में, इन हम कह सकते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्पेक्ट्रल लाइन, एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बेंस के लिए प्लस साइन यूज करते हैं और रिलीज के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ अब हम इसकी बात करते हैं लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोहर मॉडल था इट वाज प्राइमरली यूज्ड फॉर हाइड्रोजन एटम या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये सबसे पहले किसके लिए यूज किया गया था, इट वाज और मैं साथ में इसमें लिख देता हूं मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, प्राइमरली यूज फॉर हाइड्रोजन एटम या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वो स्पीशीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ये इसकी वीकनेस बन गई। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ठीक है, ये पहली इसकी वीकनेस थी। नंबर टू पॉइंट, जो बोहर मॉडल था इट डज नॉट एक्सप्लेन द या डज नॉट गिव द एनी आइडिया या एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एनी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या अरेंजमेंट है इसके बारे में बोहर साहब ने कुछ नहीं बताया। और साथ में क्या बताता है, भाई जब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया तो भैया उसकी वेव नेचर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी कि थर्ड पॉइंट क्या हो गया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट जस्टिफाइड बाई द बोहर मॉडल। वेव नेचर को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड बाई बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसमें भी ये फेल हो गया था। और जो चौथा पॉइंट है कि भाई इसके अलावा अब जब ये इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को नहीं बता पाया, वेव नेचर को नहीं बता पाया, तो साथ में इंट्रैक्शन को भी नहीं बता पाया कि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे इंट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन का जो इंट्रैक्शन है विद मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम क्या कह सकते हैं, बोहर मॉडल ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन द दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। अब यहां पे ज़ीमन इफेक्ट भी बता देता हूं, साथ में स्टार्क इफेक्ट भी बता देता हूं। ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अपनी जो मैंने अपनी वीडियो लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस किया था। ज़ीमन इफेक्ट होता है इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैग्नेटिक पार्ट है वो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के किसी के साथ इंट्रैक्ट करता है, यानी कि इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा लाइन है वो बिखर जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ, मैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूविंग बॉडी है और साथ में चार्ज भी है उसके ऊपर निगेटिव, तो अपना क्या ओन क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इम्पोज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, जिससे कि जो यहाँ पे हमें रेडिएशंस मिल रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रही हैं, उनमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं। सॉरी, तो उन चेंजेस के बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। और यही इम्पैक्ट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में देखें, अगर ये हम किस में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब हम यहां कहेंगे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या कहलाता है, स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। तो भैया ये बोहर मॉडल ने ये दोनों इम्पैक्ट भी बताने में अनसक्सेसफुल रहा था। तो ये चार इसकी क्या हो गई है, वीकनेसेस हो गई हैं। अब इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, जो फाइन ये इसके अलावा थोड़ा सा आप इसको और जरूर देख लें। बोहर मॉडल के लिए तो केवल हम इतना कहते हैं कि भाई ये ज़ीमन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन साथ में कि ये फाइन लाइन स्पेक्ट्रा को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जब हम कोई स्पेक्ट्रा देखते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का कि वो जंप करके हायर ऑर्बिट में चला गया, तो उसने एनर्जी क्या करी, एब्जॉर्ब करी, जब वापस आया तो क्या कर दिया उसने एमिट कर दी, ठीक है ना। जब एमिट कर दिया, अब आपने इसमें क्या किया कि जब हम इसको गौर से, जब हम इसको किसी हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से चेक करते हैं, तो हमें ये जो लाइन दिखाई देती है, जो एनर्जी बेसिकली हमें जो एमिट होती है, रेडिएशन होता है, वो किसी चमकती हुई लाइन या डार्क लाइन की फॉर्म में हमें मिलता है। तो जो ये स्पेक्ट्रा लाइन है, जो हमें स्पेक्ट्रा लाइन, चमकदार लाइन, रोशनी वाली या डार्क लाइन्स हमें मिल रही हैं,
वो क्या है, बेसिकली वो सिंगल नहीं होती। ये हमें कब पता लगता है, जब हम इसकी स्टडी किस में करते हैं कि हाई रिजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम इसको चेक करते हैं, तब हमें पता लगता है। ये आपकी कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है ना। ये बहुत सारे स्पेक्ट्रल छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बनी होती हैं, तो इसको हम फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो ये कंपोजिशन होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, अगर हम फाइन करके देखेंगे तो ये लाइन हमारी कई सारे लाइंस का ग्रुप हो सकती है, ठीक है ना। तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं, जब हम किसी भी एटम के स्पेक्ट्रा को, हम यहाँ पर बोहर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, व्हेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम और एनी अदर एटम इज एग्जामिन्ड अंडर किस में, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत होगी, तब हमें पता लगता है कि जो सिंगल लाइन होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू स्पेक्ट्रल लाइन, ये बहुत सारी लाइनों का कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज नोन एज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो भाई बोहर ने तो मेन लाइन नहीं प्रॉपरली बता पाई है कि भाई ये आपकी जो मेन लाइन है कि कितनी तरह की आपकी इंट्रैक्शन जो हो रही है, जो जीमेन इफेक्ट है, वो सब नहीं बता पाया, तो फाइन लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। तो हम एक लाइन और फिफ्थ पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोहर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द या फेल्स टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी सारी लिमिटेशंस कंप्लीट होती हैं बोहर्स मॉडल की। ये हमारी सारी लिमिटेशंस थी, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको इस पे जो MCQs पे बेस्ड हैं उनके बारे में बात करूंगा। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। राइटिंग में भी आप उनका जवाब दे सकते हैं और MCQ भी उन पे बहुत सारे बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट कुछ कोर क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, उनको आप देखिए। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं जिनको आप जरा गौर से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज बोहर्स मॉडल ओनली वर्क फॉर हाइड्रोजन एटम और मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तीसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फोर्थ क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस, सेकेंड ऑप्शन ग्राउंड स्टेट, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ ऑप्शन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और फिफ्थ क्वेश्चन है, टू हुम इज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर एटम एट्रीब्यूटेड। तो इसके लिए ऑप्शंस आते हैं आपके रदरफोर्ड और नील बोहर। अब इन क्वेश्चंस को जैसे हम करके देखते हैं, पहले हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई जो फोर्थ क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, न्यूक्लियस पर होगी, ग्राउंड स्टेट पर होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर होगी, या इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं, आपकी उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो हमारा ऑप्शन हो गया है डी, ठीक है। और फिफ्थ जो आपका MCQ बेस्ड है, टू हुम इज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर एटम एट्रीब्यूटेड। तो ये क्वेश्चन का राज यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बीच में छुपा हुआ है। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो बेसिकली बताता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन करता है जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में, डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बेस है वो किस पे होगा, वो उसके लिए ऑप्शन आपका बन जाएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नील ने इस बात को बताया। तो यहाँ पे हमने तीसरे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया, डिफरेंस बिटवीन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। दोबारा से मैं बात करता हूँ, रदरफोर्ड बेसिकली किस चीज को एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है ना। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट्स या क्वांटाइज ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उनके एनर्जी लेवल फिक्स होते हैं। मेन इसकी थ्योरी इस पे थी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन पे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस था, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं, मेन हमारे दो क्वेश्चन, ये
कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें दो चीज़ें बार बार क्लियर नहीं होती हैं, सर बोहर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों एप्लीकेबल है और आपका जो बोहर फ्रिक्वेंसी रूल क्या होता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ बोहर फ्रिक्वेंसी रूल? जैसे ही हमने बात करी कि कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट पर जाता है और इस दौरान वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इस एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, ई टू माइनस ई वन। ठीक है, और आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, तो न्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा ई अपॉन एच। ये फ्रिक्वेंसी रूल है। अब हम इसको जरा डेफिनेशन की फॉर्म में बोलेंगे। तो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी उसमें जाता है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन द फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी स्टेट डिवाइडेड बाई प्लैंक कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी रूल। ठीक है ना, ये आपका बोहर फ्रिक्वेंसी रूल है, इस चीज़ को आप ध्यान कर लीजिएगा। इसको ऐसे ही बोला जाएगा, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ठीक है ना, इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द जो आपकी ऑर्बिट है जहाँ पर आपका कंजिक्यूटिव ऑर्बिट में ट्रांजिशन हुआ है डिवाइडेड बाई प्लैंक कॉन्स्टेंट। ये आपका हो गया है बोहर फ्रिक्वेंसी रूल। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो क्वेश्चन कई बार बच्चों ने पूछा है, सर व्हाई डज बोहर मॉडल एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, कि भाई ये केवल हाइड्रोजन एटम या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर ये नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बोहर ने बोला था, बोहर ने कंसीडर जो किया था, बोहर कंसीडर ओनली द इंट्रैक्शन बिटवीन ओनली द इंटरेक्शन बिटवीन किसमें, वन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में उन्होंने इंट्रैक्शन को स्टडी किया था। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, रिवॉल्व कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका इंट्रैक्शन केवल किसके साथ होगा, न्यूक्लियस के साथ होगा। और यदि इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए, उस केस में दोनों एक दूसरे पे क्या लगाने लग जाएंगे, रिपल्शन लगाने लग जाएंगे, जिससे इनके एनर्जी लेवल्स में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। जैसे ही एनर्जी लेवल में चेंजेस आ जाएंगे तो ये बोहर के कंसेप्ट को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मेन कारण क्या था, उसने केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच में इंट्रैक्शन को स्टडी किया था, ना कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन जो आपस में रिपल्शन लगाने लग जाते हैं, ठीक है ना, रिपल टू ईच अदर, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल में उसमें चेंजेस आ जाएंगे जो उसके कंसेप्ट को फेल कर देंगे। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। ये कुछ चुनी हुई मेरी प्रॉब्लम्स, अच्छी प्रॉब्लम जो मुझे लगती थी कि बार बार आपको देखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करी है। दिस इज ऑल एंड द स्टडी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन जो पोस्टुलेट्स आज हमने पढ़े हैं विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है ना, जो हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। यूजिंग द अबव पोस्टुलेट बोहर जो आपके आएंगे जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें हम लोग बात कर लेंगे कि भाई एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे हम उसमें एनर्जी जो ऑर्बिट्स की है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और उन पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, तो वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल, थैंक यू।